वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एग परांठा रेसिपी। उसके लिए इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आपको चाहिए एग्स, आपको चाहिए कटे हुए ऑनियन, टमाटर, धनिया। मसालों में आपको चाहिए होगी लाल मिर्च, हल्दी, नमक, कटी हुई बारीक मिर्च, तेल आपको यूज करना है या रिफाइंड, और आपको आटा चाहिए होगा गूंदा हुआ। सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अंडा फेंटना है। अंडे को तोड़ के आप एक बाउल में रख लें और उसमें सारे वेजिटेबल्स मिक्स कर लें, ठीक है। फिर आपको अंडे को फांटना है। मैंने ऑलरेडी फेंट के रख लिया था। फांटने का तरीका ये है, इस तरह से स्टिर करना है, इस तरह से। इसमें आप फिर सारी वेजिटेबल्स, धनिया पत्ता वगैरह डाल के, नमक स्वाद अनुसार डाल के, लाल मिर्ची और हल्दी डाल के, और हरी मिर्च डाल के आपको इन सबको मिक्स कर लेना है। अच्छे से घोल के फेंट के रख लें इसे आप। जब भी आपका एग योल पूरा फंट जाए तो इसे साइड में रख दें और एक तरफ तवा गर्म होने के लिए रख दें और ऑयल चढ़ा दें उस पर। अब आपको क्या करना है, आटे का पेड़ा ले लेना है। गोल गोल आकार में इस तरह से करके आपको, अब हम इसे बेल ले रहे हैं। बहुत सिंपल रेसिपी है ये, कोई ज्यादा टफ नहीं है। इस तरह से आप इसे तवे पे सेकिए, इस तरह से। जब भी एक तरफ से सीख जाएगा तो इसे पलट लें, इस तरह से पलट लिया हमने ये। कुछ नहीं है, पहले सिंपल परांठा भी बनाया है आपने, घी या रिफाइंड लगा के। एक साइड ज्यादा अच्छे से सेक लें। अभी दोनों तरफ से सिक चुका है, इसे निकाल लें। थोड़ा सा आपको एक टेबलस्पून और डालना है। अब जो हमारा जो बैटर रेडी था वो हमें इस तरह से पूरी तरह इसे पकने ना दें, फटाफट से इस पे जो आपने वो परांठा बनाया था उसे इस तरह से इस पे रख देना। बहुत इजी रेसिपी है, ब्रेकफास्ट में आप जल्दी में कुछ नहीं बन पा रहा हो तो ये यूज कर सकते हैं। जब तक ये पक रहा है एक ट्रिक बताती हूँ। आप अगर चाहे तो जो रात की बासी बची हुई रोटी होती है वो भी इस रोटी की जगह यूज कर सकते हो, उसमें भी आपने सेम प्रोसेस करना है। अभी हो चुका है, हम इसे पलट लेते हैं। अगर कच्चा रह गया होगा तो थोड़ा चेक कर लें और फिर से उस साइड को पका लें और फिर सर्व भी करना है आपको। मैं 2 मिनट और पका ले रही हूँ ताकि अंडा कच्चा ना रह जाए। अब आपका ये जो एग है बिल्कुल पक चुका है,
अब मैं इसे सर्व कर ले रही हूँ। इसे आप चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये आपका एग परांठा बिल्कुल तैयार है। कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी हमें जरूर बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।